Hey, good afternoon students, how are you all? I hope you are fit, fine, taking good care of yourselves. I'm your English teacher Archana Singh, welcoming you all to the English class. So today's topic is Chipko movement and harmful effects of polybags, right? So we all know Chipko movement is related to environment, to nature, to trees, right? So one of this special movement which was leaded by Gaura Devi of Chamoli district, Uttar Pradesh. What did she do in this movement, and what are her achievements and contributions in this movement? We will learn about that. Okay, first one is Chipko is a Hindi word. It means to clasp, to hug. In March 1974, a contractor went to a forest in the Chamoli district of Uttar Pradesh to cut trees. Gaura Devi, a brave village woman, came to know of it. She took a group of 26 women to the forest and they hugged the trees there. They said that the woodcutters would have to cut their bodies before cutting the trees. The trees were saved. Matlab, 1974 mein Chamoli district, UP mein ek incident hua tha, ghatna ghati thi, jahan pe Gaura Devi ko jab pata chala कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं पेड़ों को काटने के लिए, तो वो 26 औरतों के साथ वो गई वो पेड़ की कटाई को रोकने के लिए. उन्होंने ये कहा कि पेड़ों को काटने से पहले आपको हमारे शरीर को काटना पड़ेगा. इस तरह से पेड़ बच गए. दिस इंसिडेंट शोड अ न्यू वे टू सेव द ट्रीज. अब ये घटना दिखाया कि पेड़ों को बचाने के लिए एक नया तरीका हो गया. तो लीड द चिपको मूवमेंट. सुंदर लाल बहुगुणा एंड चांदी प्रसाद भट्ट आर द मेन लीडर्स ऑफ द मूवमेंट. इस मूवमेंट के मेन लीडर्स हैं सुंदर लाल बहुगुणा एंड चांदी प्रसाद भट्ट. बहुगुणा वंस सेड द ट्री इज लाइक 10 सन्स बिकॉज इट गिव्स 10 वैल्यूएबल थिंग्स. एक पेड़ 10 बेटों के बराबर है क्योंकि वो हमें वैल्यूएबल थिंग्स मतलब बहुत ही उपयोगीकार चीज़ें देती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, वाटर, पानी, हवा, एनर्जी, फूड, क्लोथ्स, दवाइयाँ, टिम्बर, फॉडर. ओके, आई होप कि आप लोग को ये चिपको मूवमेंट समझ में आ गया है. तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पॉलीबैग्स. हम लोग को पता है कि पॉलीबैग्स पॉलीथीन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पॉल्यूशन होती है, इसी वजह से गवर्नमेंट ने अभी इसको बैन करके रखा हुआ है. लेकिन बहुत लोग अभी भी यूज़ करते हैं जो कि वो सही नहीं है. तो आइए इसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं हम जानते हैं. वेजिटेबल सेलर्स, ग्रॉसर्स एंड बेकर्स गिव अस थिंग्स पैक्ड इन पॉलीबैग्स. वी ऑल नो कि जो भी सब्जी बेचते हैं ग्रॉसर्स या बेकर्स, जो भी हम पैकेट फूडिंग सामान खाते हैं, दिस आर ऑल पैक्ड इन पॉलीबैग्स. सारे पैक्स में पैक होते हैं. मिल्क इज़ ऑल्सो ऑफन सप्लाइड इन पॉलीबैग्स. डायरी मिल्क, डायरी के जो दूध, वो पैकेट्स में ही आते हैं, हमें पता है वो, जो कि वो हमारे लिए हार्मफुल होता है. पॉलीबैग्स आर मेड ऑफ पॉलीथिन. ये पॉलीथिन से बने होते हैं, विच इज़ अ काइंड ऑफ थिन सॉफ्ट प्लास्टिक, जो एक नरम प्लास्टिक होता है और पतला. इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड कैनॉट बी डिस्टर्ब ईजीली. ये बहुत ही मजबूत होता है और वो जल्दी से नष्ट नहीं होता है. दैट इज़ वाई वी फाइंड इट सो यूजफुल. जैसे इससे हमें यह बहुत काम का लगता है, बट दैट इज़ ऑल्सो वाई इट इज़ हार्मफुल. जैसे ही ये काम का लगता है उस तरह से ये हार्मफुल भी है, इससे हमें हानि भी पहुँचती है. सो वॉट शुड वी डू विथ पॉलीबैग्स आफ्टर वी यूज देम. अब हमें पॉलीबैग्स के साथ क्या करना चाहिए जब हम उनका इस्तेमाल कर लेते हैं. इफ़ यू थ्रो देम इन द ड्रेन्स विल गेट चोक्ड. अगर हम इसे ड्रेन में फेंकते हैं तो ड्रेन चोक मतलब जो भी ड्रेन का पानी निकलता है वो नहीं निकलेगा, वहीं पे बंद हो जाएगा. इफ़ एन एनिमल ईट्स अ पॉलीबैग, अगर कोई जानवर पॉलीबैग खा लेता है, तो बैग विल स्टक इन इट्स थ्रोट, उसके गले में अटक जाएगा और जाके उसे सांस लेने में तकलीफ होगी. टू बी एबल टू ब्रीथ, इट मे डाई, जिसके कारण उनकी मौत भी हो सकती है. इफ़ यू बर्न अ पॉलीबैग, अगर हम बर्निंग पॉलीबैग को जलाते हैं, इट विल प्रोड्यूस पॉइजनस गैस, वो बहुत ही हार्मफुल हवा निकालते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे नेचर को प्रदूषित करता है, जिससे हमें भी सांस लेने में दिक्कत होती है, जो हवा को पल्यूट करता है.
मतलब हवा को बात कर देता है। द बेस्ट थिंग इज़ नॉट टू यूज़ पॉलीबैग्स एट ऑल, सबसे बेस्ट थिंग है, बढ़िया थिंग है, हमें पॉलीबैग्स का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। एंड वी शुड पैक थिंग्स इन पेपर, सही बात है, हम लोग पेपर बैग्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए ताकि हम, और जूट बैग्स का, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को गंदा होने से बचा सकें। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो और ये टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं। ठीक है, तो आई विश यू हैव ऑल अंडरस्टूड। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग एक्सरसाइजेस पे। जैसे ग्रॉसर्स एंड बेकर्स ऑफन यूज पॉलीबैग्स टू पैक थिंग्स, पॉलीबैग्स आर यूज टू सप्लाई मिल्क ऑल्सो, पॉलीबैग्स आर मेड ऑफ पॉलीथिन, इट इज़ अ काइंड ऑफ थिन एंड सॉफ्ट प्लास्टिक, पॉलीबैग्स आर बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल, इंस्टेड ऑफ पॉलीबैग्स वी शुड यूज पेपर क्लोथ्स और जूट बैग्स टू पैक थिंग्स, राइट। What happens in the following situation? Complete the sentences. If we throw a polybag in a drain, the drain will get choked. If an animal eats a polybag, the bag will get stuck onto its throat and it will not be able to breathe. If we burn a polybag, it will produce poisonous gases which will pollute the air. Okay? So I hope you have all understood the exercises also and the chapter 2. If any issues, you can ask me. I'll help you out in the particular topic or in the particular exercise. Okay, by this I'll end the class. So all of you take care, bye, do your assignments on time and send me on time, and take a very good care of yourself and have a nice day. Bye students, take care, bye. Haan, aap boliye.